जम्मू कश्मीर से, जहां पर 87 सीटों के आज नतीजे सामने आ रहे हैं, सीटों के रुझान आने शुरू हो गए हैं और इस वक्त जो ताज़ा आंकड़े हैं उसके मुताबिक राज्य में पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सामने आ रही है। यहां पर दूसरे नंबर पर भाजपा प्रदर्शन कर रही है। भाजपा 87 सीटों में से कुल 26 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि जो रुझान आ रहे हैं उसमें जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा से सज्जाद लोन आगे बताए जा रहे हैं, भाजपा की हिना भट्ट अमीरा कदल से आगे बताई जा रही हैं। भाजपा दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन कर रही है, जबकि पीडीपी सबसे पहले नंबर पर प्रदर्शन कर रही है। लेकिन जो फर्क है भाजपा और पीडीपी का वो 6 से 7 सीटों का है, जिसे लेकर ये कहा जा सकता है कि पीडीपी और भाजपा में टक्कर का मुकाबला है। कुछ सीटों से पीडीपी आगे चल रही है, लेकिन ये रुझान आगे चलकर बदल भी सकते हैं। किस ओर जाते हैं रुझान, ये कुछ घंटों के बाद स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन दुखद बात यह है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इन चुनाव में जनता ने पीछे धकेल दिया है। बेहद ही कुछ सीटों पर दोनों दल आगे चल रहे हैं। हमारे पास जो खबर आ रही है उसके मुताबिक हंदवाड़ा से सज्जाद लोन आगे चल रहे हैं। सज्जाद लोन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर चला था और सज्जाद लोन पर उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया था कि ऐसे भाई की ज़रूरत नहीं है जो सांप्रदायिक भाई से मिलकर मुलाकात कर सियासत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उधर अनंतनाग से मुफ्ती मोहम्मद सईद आगे बताए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक बारामूला से पीडीपी आगे चल रही है। सोनावार से उमर अब्दुल्ला आगे बताए जा रहे हैं। उधमपुर से निर्दलीय उम्मीदवार पवन गुप्ता को आगे बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में शुरुआती रुझान ये दर्शा रहा है कि पीडीपी पहले नंबर पर प्रदर्शन कर रही है, भाजपा दूसरे नंबर पर प्रदर्शन कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस तीसरे नंबर पर प्रदर्शन कर रही है, जबकि कांग्रेस चौथे नंबर पर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस राज्य में सबसे पीछे है, उसके बाद है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद है भाजपा और पहले नंबर पर है पीडीपी। मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि त्रिशंकु विधानसभा के आसार दिख रहे हैं, इस बात पर भी कयासों का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि किसी भी दल ने अभी किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार किया है। हमारा मानना है कि बीजेपी इन इलेक्शन में एक हिस्टोरिकल मैंडेट लाएगी। वो किसी भी, आप किसी भी नज़रिए से देखें, और बीजेपी के लिए और देश के लिए वो हिस्टोरिकल रहेगा। बाकी कोई पार्टी अगर इसमें प्रॉफिट करती है, ये उनकी मेहनत की वजह से नहीं, बाकियों की कमियों की वजह से हो सकती है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि जम्मू और कश्मीर की किस्मत में खराबी ये रही कि उनको ऐसी सरकारें मिली जो कि कभी भी लोगों के लिए काम न कर पाई। और इस बार खास तौर से जब सारे देश में गुड गवर्नेंस और करप्शन के खिलाफ एक माहौल बना है, तो उसमें मोदी जी की लीडरशिप और एनडीए की जो सोच है वो प्रभावी रही है, इसी का ये फायदा है हमको। भारत में राज कर रही हो, यानी पार्टी है जो पूरी फुल पावर जाय करती हो दिल्ली में, जिसके पास करोड़ नहीं अरबों रुपए का सरमाया है इलेक्शन में लगाने के लिए और एब्सोल्यूट पावर है, उसी को भर्त मिलती रही जम्मू कश्मीर में कई वर्षों तक। इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है मेरे लिए। जम्मू कश्मीर कराने वाला हूँ, 50 वर्ष से सड़कों से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ता हूँ, और ये मेरे लिए कोई हैरानगी की बात नहीं है। हैरानगी की बात ये होगी कि बीजेपी और पीडीपी जब एक साथ आके सरकार बनाने की कोशिश करेंगे।
तो बीजेपी और पीडीपी सरकार बनाने की कोशिश करेगी, ये कहना है भीम सिंह का, जो कि जम्मू कश्मीर की सियासत में भूमिका निभाते रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहली दफ़े ऐसा हो रहा है जब भाजपा काफ़ी सीटों पर आगे चल रही है, पीडीपी को टक्कर दे रही है, दूसरे नंबर पर प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जम्मू से संवाददाता आशीष कोहली, उनसे अपडेट्स लेते हैं। जी आशीष, अगर सुन पा रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त आपके पास रुझानों को लेकर क्या ताज़ा जानकारी है। जी नेहा जी, बताना चाहूंगा कि इस टाइम अभी काउंटिंग स्टेशन पे ही है और लगभग दो राउंड की काउंटिंग अभी तक चल रही है और ट्रेंड्स के मुताबिक जम्मू में बीजेपी काफी आगे चल रही है और श्रीनगर में पीडीपी काफी आगे चल रही है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बीजेपी का हम अगर लास्ट रिकॉर्ड देखें तो 2001 में जम्मू में बीजेपी ने सिर्फ एक टिकट ली थी और 2008 में सिर्फ 11 टिकटें ली थी। तो अब ये लगता है कि इस बार मोदी का जादू यहाँ चल गया है और कम से कम 30 प्लस सीट ज्यादा ही सीटें आएंगी। जी आशीष, आप कह रहे 30 प्लस सीटें आ रही है, तो लेकिन जो मिशन था भाजपा का 44 प्लस का, उसमें भाजपा पिछड़ती दिख रही है। जी जी जी, मिशन 44 तो सिर्फ इलेक्शन स्टंट था जो भाजपा ने पहले दिन से ही शुरू किया था, जिसके साथ साथ आर्टिकल 370 की भी बात की थी। बट जैसे जैसे इलेक्शन के डे सामने आए तो इलेक्शन 370 भी धुंधला नजर आया और मिशन 44 भी इनका अकेले कम्प्लीट नहीं हो सकता। जी आशीष, मिशन 44 अकेले कंप्लीट नहीं हो सकता और दूसरे नंबर पर प्रदर्शन कर रही है, भाजपा के नेताओं का क्या कहना है, किसी तरह के गठबंधन की ओर इशारा कर रहे हैं? जी अभी तो भाजपा कोई साफ तौर पर तो नहीं बोल रही कि वो किससे गठबंधन करेंगे। अभी तक हमने उनके सुबह ऑफिस में भी उनसे मिले और वहाँ पे काफी सेलिब्रेशन का माहौल बना हुआ और अभी वो यही कह रहे हैं कि वो अपना मिशन 44 प्लस ही पूरा करेंगे, अभी वो किसी भी गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं। जी आशीष, भाजपा खेमे में जश्न का माहौल है जैसा कि आपने बताया, जीत का सहरा किसके सर बांध रहे हैं, भाजपा के नेता या फिर कार्यकर्ता? भाजपा के नेता तो पहले दिन से ही जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम से ही लड़ रहे हैं और ये साफ तौर से जाहिर है कि जीत का सहरा प्रधानमंत्री मोदी को ही पहनाएंगे। जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, आप खबर पर नजर बनाए रखिए, रुझानों को लेकर हम आपसे दिन भर अपडेट्स लेते रहेंगे। तो आशीष कोहली हमारे जम्मू संवाददाता ये जानकारी दे रहे थे कि दो राउंड की मतगणना हो चुकी है और उसमें जम्मू संभाग में भाजपा आगे चल रही है जबकि घाटी संभाग में पीडीपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जम्मू में भाजपा के खेमे में जश्न का माहौल नजर आ रहा है, मोदी साहब को यहाँ पर जीत का सहरा भाजपा के नेता और कार्यकर्ता पहना रहे हैं। उधर घाटी में पीडीपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, हालांकि दो राउंड्स की ही मतों की गिनती हो पाई है और रुझान आगे तस्वीर पलट भी सकते हैं, लेकिन पीडीपी ने काफ़ी सीटों पर बढ़त बना ली है। वहीं जम्मू संभाग में भाजपा ने भी काफ़ी सीटों पर बढ़त बना ली है जो नतीजों में कुछ देर के बाद बदल सकते हैं। अभी मैंने कहा रुझान है, पूरे नतीजे आने दीजिए, किस पार्टी को कितनी वोट्स मिलती हैं, सीट्स मिलती हैं और सबसे बड़ा राजनीतिक दल कौन बनकर उभरता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है अगर इनिशियल ट्रेंड्स देखें तो भारतीय जनता पार्टी झारखंड में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार और जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी आती नजर आ रही है। लेकिन अभी पूरे रिजल्ट आने बाकी हैं और निश्चित तौर पर लोगों ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है। मैं दोनों राज्यों की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।